हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 10th स्टैंडर्ड के जो कि साइंस फूड साइंस रिलेटेड जो भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है सारी चीज़ों का यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए और काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट वीडियोज होने वाला और डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए साइंस फूड साइंस का MCQ डेली प्रोवाइड करूँगा। तो डिस्कस करते हैं, काफ़ी कुछ जाने को मिलेगा। सो अलर्ट टू नो अलर्ट टू डिस्कस बिफोर यू बिगिन गो टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ना फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि किसी बल्ब से एक मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर करंट हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो आइज कस्टो होता है कि आइज कस्टो क्या होता है, आइज कस्टो होता है Q/T होता है Q/T। तो आपके आवेश टोटल हैं यहाँ पर 120 कूलम। ठीक है, और आपका एक मिनट है पर यहाँ पर टाइम जो रहना चाहिए सेकंड में रहना चाहिए सेकंड में। ठीक है, तो एक मिनट में सेकंड कितना होता है तो 60 सेकंड होता है। तो 60 से जब हम यहाँ पर 10 से 10 को कटा देंगे, ठीक है, तो 6 1 6 6 2 12 होता है। तो यहाँ पर धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, तो यहाँ पर 2 एम्पियर इज़ द राइट आंसर फॉर यू। ठीक है, तो 2 एम्पियर आपको यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी इज़ द राइट आंसर फॉर यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका यूज कर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्पेक्ट्रम जो होता है डायरेक्ट जैसे ये कोई फ्रिज में, ठीक है, प्रिज्मिक पर एक जब हम श्वेत प्रकाश डालते हैं इस तरह से सूर्य का प्रकाश, तो किन्हीं 7 रंग अवयी रंगों में क्या होता है टूट जाता है, और 7 अवयी रंगों में टूटने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जब इसको हम पर्दे पर उतारते हैं तो 7 कलर प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम ये कौन सा किसका यूज करें हैं यहाँ पर, तो प्रिज्म का यूज किए हैं। किसका, प्रिज्म का यूज किए हैं। तो यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर फॉर यू। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका यूज होता है, प्रिज्म का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको रेजिस्टेंस का ऐसे यूनिट क्या होता है, यानी प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है प्रतिरोध। तो ये एक तरह का रुकावट होता है जो कि करंट को मान कम कर देता है और रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ये ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है गाइस, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है ये वाला। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, परिपथ में यहाँ पर विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो परिपथ में विद्युत धारा जो होती है उसकी माप किससे की जाती है। तो यहाँ पर वोल्टमीटर भी है, एमीटर भी है और गैल्वेनोमीटर भी है, और इनमें से कोई है। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए परिपथ में जब विद्युत धारा की माप की जाती बात की जाती है तो यहाँ पर कोई सीरीज नहीं दिया है, नहीं पैरेलल दिया है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर हम यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर यू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा मिरर का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में बेसिकली हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा देख। दाढ़ी बनाने वाला हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ले जाके इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा इसको अब नेगलेक्ट करेंगे, कलर सही है। ठीक है, कलर यहाँ पर ठीक है, कलर कोई दिक्कत नहीं है, तो डिलीट करते हैं इसको। ठीक है, जस्ट इसको ये वाला कर देते हैं। देखिए यहाँ पर किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो जो सेल में होता है ये वोल्टमीटर में भी होता है, एमीटर में भी होता है, किस में नहीं होता है, तो एक ही में नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है, तो ये नहीं वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर फॉर यू। कुंडली में, ये कुंडली जो होता है एक तरह के क्वाइल की तरह लपेटा रहता है। ठीक है, इसमें नहीं होता है, न प्लस होता है, नहीं माइनस होता है। ठीक है,
तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरल सूक्ष्मदर्शी का यूज होता है तो ये उत्तल लेंस में करते हैं। किस लेंस में? गाइज उत्तल लेंस में करते हैं। यहाँ पर पूछा नीला थोथा का यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है, तूतिया का, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित निम्नांकित में से कौन लवण है। लवण क्या होता है? जो अम्ल और क्षार संयोग करके लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अम्ल हो जाएगा, ये क्या होगा? अम्ल होगा। Cl क्या है? अम्ल है। ये क्या है? OH है, तो इसमें क्षार है, ये भी क्षार है, बट यहाँ पर ये अम्ल है, क्या है? नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये लवण है, क्या है? लवण। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन जो अणु होते हैं, देखिए इसका परमाणु संख्या 7 होती है। फर्स्ट कक्षा में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, और इसको वैलेंसी पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3rd है, तो यानी डी इज़ द राइट आंसर फॉर यू। 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि संगमरमर का केमिकल फॉर्मूला? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। देखिए गाइज मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, इसको डिलेक्ट करते हैं, ठीक है। डैश वन संपदा का एक उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पर लकड़ी एग्जैक्ट आंसर होगा इसका, यही वन संपदा का ज़्यादा तरह के उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर चीनी का सूत्र पूछा, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी क्या होता है आपको? C12H22O11 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर यू, बट ग्लूकोज का पूछता तो ए वाला आंसर करेक्ट होता, ठीक है। और यहाँ पर C3COOH ये हो जाएगा, यहाँ पर ये जो होगा C3COOH फॉर्मिक एसिड का हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर उसका रंग परिवर्तित होकर कैसे होता है? तो यहाँ पर येलो कलर का होता है, येलो लाइक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर यू, यहाँ पर पीला इज़ द राइट आंसर फॉर यू। चलते हैं स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा चीज़ आवश्यक है? तो देखिए CO2 चाहिए भी, क्लोरोफिल चाहिए भी, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर यू, सभी होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में भाई, और इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी करिए, और आगे और भी आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियोज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और डेली बेसिस पर मैं आप लोगों को इवनिंग में ही वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो ये है इस वीडियो का एंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, गेट नॉलेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।